अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज जो मैं आप लोगों के साथ फार्मूला शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत ही ज़बरदस्त है। आप लोगों ने थंबनेल पे देख ही लिया होगा कि ये किस पर्पज़ के लिए है। ये जिनकी बहुत ज़्यादा हाई पिगमेंटेशन वाली स्किन है और उनके लिए है, जिनकी फ्रेकल्स हैं बहुत ज़्यादा तंग करने वाली फ्रेकल्स हैं जो कि ख़त्म ही नहीं होती हैं। और बहुत सारी लड़कियां जो हैं कभी कोई ट्रीटमेंट कर करके थक गई हैं, स्किन को रेड करके थक गई हैं। क्योंकि आप जब भी कोई इस रंग की कोई फ्रेकल्स को गायब करने के लिए, ख़त्म करने के लिए आप कोई भी चीज़ अप्लाई करती हैं ना, तो आपकी स्किन रेड टोन में लाजमी जाती है, लाजमी। और फिर भी उसके बावजूद जब तक हम वो क्रीम्स यूज़ करते रहें तो हमारी पिगमेंटेशन गायब हो जाती हैं, हमारी फ्रेकल्स गायब हो जाती हैं। लेकिन हम लोग जैसे ही ये फार्मूले वगैरह स्किप करते हैं, क्रीम्स को स्किप करते हैं, तो हमारी दोबारा से आना शुरू हो जाती हैं। तो आज मैं उन लेडीज़ के लिए बड़ी, क्यों ज़्यादातर ये होती है तो लेडीज़ में ही है, जेंट्स में तो बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि होते हैं, लेकिन समटाइम्स जेंट्स में भी होते हैं। तो ये लेडीज़ एंड जेंट्स दोनों के लिए ही ज़बरदस्त फार्मूला है जो मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, और बहुत ज़बरदस्त है कि आप इसको लगाएं। और हफ्ते में आपने जो है ये 3 दफ़ा लगाना है, मतलब 1 डे का गैप छोड़ के, 1 दिन छोड़ के 1 दिन, और बिल्कुल फ्रेश बनाना है। और इस तरह से आप जब इसको अप्लाई करेंगी विद इन 1 मंथ, आप लोगों को इतना अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। मैं आपको 3 दिन, 4 दिन, हफ्ते या 10 दिन का टाइम नहीं दे रही हूँ, मैं आपको 1 मंथ का टाइम दूंगी। क्योंकि ये जो 3 दिन 4 दिन 10 दिन होते हैं ना, ये बहुत, एक तो इनमें साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इनमें स्टीरॉइड्स बहुत ज़्यादा होती हैं, और आपको पता है स्टीरॉइड्स हमारी स्किन को और ज़्यादा ख़राब करती हैं। तो इसीलिए बेहतर और अच्छा यही है कि आपका वर्क जो है वो बेशक स्लोली स्लोली हो, लेकिन आपकी पिगमेंटेशन, आपकी फ्रेकल्स जो हैं वो अच्छे से जो है ना वो रिमूव हो जाएँ, ख़त्म हो जाएँ, ठीक है। तो इसके लिए मैं बहुत ज़बरदस्त ये आप लोगों के लिए रेमेडी लेकर आई हूँ, बहुत ही अच्छी है। आप लोगों ने ये ज़रूर ट्राई करनी है और आप लोगों ने इसके फीडबैक्स भी मुझे देने हैं लाजमी, और बताना है कि वाकई ही जिनकी स्किन पे फ्रेकल्स थी, जिनको पिगमेंटेशन का मसला था, उनका ये मसला हल हुआ है या नहीं। तो आप लोगों ने मुझे ज़रूर गाइड करना है, सॉरी गाइड कर रही हूँ, आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कॉमेंट सेक्शन में, और ताकि मुझे भी पता चले कि मेरे व्यूवर्स को मेरी बताई हुई रेमेडी से कितना फ़ायदा और कितना फ़र्क आ रहा है। और मैं ये 100% कहती हूँ कि आप को इससे 110% रिजल्ट आएगा, ठीक है। और अगर रिजल्ट नहीं आएगा ना आप लोगों को इससे, तो आप लोग बेशक मेरे चैनल को जो है ना अनसब्सक्राइब कर दें, कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं अपने व्यूवर्स के साथ, अपने क्लाइंट्स के साथ बहुत लॉयल हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जो मेरे क्लाइंट्स भी हैं और जो मेरे व्यूवर्स भी हैं यूट्यूब के, वो इन चीज़ों को समझते हैं कि मैं उन लोगों को बहुत ज़बरदस्त मशवरा देती हूँ, बहुत अच्छा मशवरा देती हूँ, और इनसे भी जो है वो पिगमेंटेशन, हर चीज़ बिल्कुल गायब हो जाएगी, बहुत अच्छा जो है ना इनके रिजल्ट्स आएंगे। तो इसमें सिर्फ जो है 3 चीज़ें यूज़ होंगी, और 3 चीज़ें किस तरह से यूज़ होनी है और कैसे कैसे इसका इस्तेमाल और कौन से वो 3 चीज़ें हैं। तो चले आते हैं हम अपने वीडियो की तरफ, ज़्यादा लॉन्ग नहीं करते हैं, बाकी साथ साथ समझाने के साथ साथ, बताने के साथ साथ कि किस किस तरह कितनी कितनी क्वान्टिटी डालनी है, तो मैं आप लोगों को बताती जाऊँगी कि जो हमारी फेस के लिए ज़रूरी चीज़ जो है वो ज़्यादा क्या चीज़ मैटर करती है, ठीक है। तो चले आते हैं हम अपनी रेमेडी की तरफ, और साथ में मैं आपको बता दूं कि जो हमारी स्किन जो है ना, हमारी स्किन में ग्लो आनी चाहिए, हमारी स्किन को चिट्टा होना हमारा ज़रूरी नहीं है। हमारा मकसद, एक तो आजकल जो पाकिस्तानी आवाम है ना, उनको ये पता नहीं किस चीज़ का मसला हो गया कि जी हमें गोरा चिट्टा होना है। देखिए, आपकी स्किन अगर नीट होगी ना, अच्छी होगी, तो आप वैसे ही बहुत प्यारे लग रहे होंगे। आप हल्का सा भी मेकअप कर लेती हैं ना, या बॉयज़ हल्की सी भी कोई क्रीम वगैरह भी लगा लेते हैं ना, तो वैसे ऑटोमेटिकली प्यारे अट्रैक्टिव लगना शुरू हो जाएंगे। वाइटर टोन में जाना या लाइटन टोन में जाना जो है वो मैटर नहीं करता है। तो इसीलिए कोशिश करें कि अपनी स्किन को जो है ना वो अच्छे से हर वक्त, एक तो क्लीन रखें, और दूसरा ये कि आपके फेस पे कोई भी ऐसी पिगमेंटेशंस नहीं आनी चाहिए। और हाँ, सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात जो है वो ये है कि हमारी स्किन पे फ्रेकल्स आती क्यों हैं। जब हम बहुत ज़्यादा टेंस हो जाते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, हम किसी चीज़ की टेंशन ले लेते हैं, तो हमारी स्किन पे जो है ना मेलानिन जो है वो हमारा एक जगह पे, हमारी स्किन में किसी भी पार्ट में, फेस पे ज़्यादातर होता है कि वो एक जगह पे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। स्ट्रेस की वजह से ये सब होता है। सबसे पहले तो हमें अपने स्ट्रेस को दूर करना है, हमें टेंशन परेशानियों से दूर रहना है, ठीक है। कोशिश करनी है कि आप हर वक्त हंसते मुस्कुराते रहें। टेंशन जाहिर है ज़िंदगी का पार्ट है, आ भी जाती हैं, लेकिन हमें उसको अपने सर पर हैवी नहीं करना चाहिए, हमें उनको बदर नहीं करना चाहिए। तो बस उस दौरान हमें कोई ना कोई अच्छा वजीफ़ा कर लेना चाहिए, अल्लाह को याद कर लेना चाहिए, जाए नमाज पिछा के आप 2 नफल अदा कर लें, अल्लाह ताला से हम कलाम हो, मतलब हम कलाम से यही है ना कि आप नमाज़ पढ़ें तो वो अल्लाह ताला से बातें करना होती है।
अपने दिल की बातें अल्लाह ताला से कहें तो आपका दिल भी हल्का हो जाएगा और आपकी फेस पर पिगमेंटेशंस भी नहीं आएंगी और देखना आपके चेहरे पे एक ऑटोमेटिकली ग्लो नूरानी चेहरा होना शुरू हो जाएगा। तो चलें आते हैं कि मैंने इसमें क्या क्या डालना है। एक्चुअली मेरा ना गला बहुत ज़्यादा ख़राब है तो इसलिए मुझे बार करना पड़ रहा है। ठीक है, इसमें हम लोगों ने लेनी है डिस्प्रीन, एक डिस्प्रीन लेंगे और डिस्प्रीन आपको पता है मेरी स्किन के लिए बहुत अच्छी है, हमारे पोर्स के अंदर जाती है और जो भी हमारी पिगमेंटेशन होती हैं उनको खींच के बाहर की तरफ लेकर आती है। ठीक है, उसके बाद ये किनले की मैंने ब्यूटी क्रीम इसके अंदर ऐड करनी है। ठीक है, ये डी पिगमेंटेशन है, मतलब हमारी स्किन पे जो भी पिगमेंटेशन होता है ना डी ख़त्म करती है उसको। ठीक है ना, उसको ख़त्म करती है, लाइटर टोन में लेकर जाती है, नॉन ग्रीसी है ये बहुत ज़बरदस्त है। और थर्ड नंबर पे आ जाता है जी रोज़ वाटर। आप रोज़ वाटर इसलिए यूज़ करना है क्योंकि हम लोगों ने इसको इसके अंदर जज्ब कर लेना होता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं जी हम अपने रेमेडी की तरफ के किस तरह से इसको बनाना है। ज़्यादा वीडियो को लॉन्ग नहीं करेंगे, सीज़र का यहाँ कोई काम नहीं है, हमें ये दो चीज़ें चाहिए, कंटेनर एक ले लेना हम लोगों ने और ठीक है एक स्पैचुला ले लेना। मेरे पास फ़िलहाल स्पैचुला नहीं है तो मैं इसकी मदद से जस्ट मैंने इस पर रब ही करना है। अच्छा जी, ये मैंने एक ली और इसको मैंने ओपन कर लेना है, ये मैंने ओपन कर लिया, इसको यहाँ रखा और इसको खोल के मैंने इसके अंदर 3 to 4 ड्रॉप्स जो है ना वो रोज़ वाटर के ऐड कर लेने हैं। नहीं जी, मेरे 3 to 4 ड्रॉप्स जो हैं वो रोज़ वाटर के ऐड हो चुके हैं। अब इसके बैक वाली साइड से मैं इसको हल्का हल्का सा रब करूँगी, ठीक है, ताकि ये हमारा अच्छे से जज्ब हो जाए। थोड़ा सा टाइम लगता है इसको जस्ट होने में, तो ये बड़े बड़े अच्छे से डिसॉल्व हो जाएगी। तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमने क्रीम की कितनी क्वांटिटी इसके अंदर कैसे ऐड करनी है और किस तरह से लगाना है। तो ये जब आप लोगों ने लगाना है ना तो फिर आपकी सारी परेशानियाँ टेंशनें ख़त्म हो जानी है, वैसे ही ख़त्म हो जानी है, तो पिगमेंटेशंस भी गायब होना शुरू हो जाएंगी फिर कुछ इसकी वजह से। और कुछ जब आप लोगों ने स्ट्रेस लेना छोड़ देना है कि हाय हमारी पिगमेंटेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, उफ़ अल्लाह हमारी फ्रेकल्स आ गई हैं, हमारा स्किन हमारा फेस इतना बुरा लगना शुरू हो गया है, तो जब ये चीज़ें आपकी ख़त्म हो जाएंगी ना आपके अंदर से, तो आपकी स्किन में ऑटोमेटिकली ग्लो भी आना शुरू हो जाएगा और आपकी स्किन बहुत अच्छी होना शुरू हो जाएगी। और आप लोगों ने मुझे ढेर सारी दुआएं भी फिर देनी है लाजमी, ये ना हो आप मेरा फार्मूला लें और अप्लाई करें और उसके बाद मुझे पूछें भी नहीं, ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी। आप लोगों ने मुझे जो है अपनी दुआओं में लाजमी याद रखना है ताकि मैं आप लोगों की तमाम परेशानियां जो हैं स्किन से रिलेटेड वो दूर करती रहूं। ठीक है, क्योंकि आजकल हर एक को जो है ना अपनी स्किन को लेके कुछ हमारी जो खुराक है हमारी जो फूड है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है, उसकी वजह से भी हमारी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, हर वक्त रफ़ रहती है। अच्छा, इसको टाइम लगता है थोड़ा सा डिज़ोल्व होने में, तो ये लेकिन आहिस्ता आहिस्ता डिज़ोल्व हो रही है क्योंकि हमें सिर्फ 3-4 ड्रॉप्स चाहिए होते हैं, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा पानी में लूँगी, ज़्यादा रोज़ वाटर लूँगी तो ये जल्दी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम इसको बैक साइड इसकी कर लेते हैं। ठीक है, फिर इसको हमने ये देखें कितनी जल्दी जो है वो एकदम से टूट गई है, अच्छे से इसको मर्ज कर लेना है। और ये जब आपने लगानी है ना तो ये आपको इस तरह से फील होगा जिस तरह से ना स्क्रबिंग आप लगा रहे हैं, लेकिन ये होगी स्क्रब नहीं, सारा पानी मेरा नीचे की तरफ चला गया, तो मैं इसको भी नीचे की तरफ ही ले आती हूँ ताकि अच्छे से जज्ब हो जाए। देखिए कितनी जल्दी फटाफट हुई है क्योंकि ये पानी में ही डिजॉल्व होती है। नहीं जी, हमारी सारी जो टेबलेट है वो सारी हो गई है। ठीक है, इसके बाद फिर मैं आपको बता दूँ कि हम लोगों ने ये वाली क्रीम ले लेनी है और इस क्रीम को कितना लेना है, जितना आपके फेस पे आपने आईज़ के गिर्द नहीं लगानी है, अंडर आईज़ पे नहीं लगानी है, आईज़ के ऊपर नहीं लगा। ठीक है, बाकी आप अपने फुल फेस पे जहाँ भी फ्रैकल्स हैं वहाँ लगा सकती हैं। और ये लाइटनिंग क्रीम भी है तो आप इसको
फेयरनेस के लिए भी लगा सकती हैं, लेकिन ये ज़्यादा पिगमेंटेशन के लिए होती है, ठीक है, ये डी पिगमेंटेशन के लिए होती है, ठीक है। तो आपने इसकी क्वांटिटी इतनी ले लेनी है जितना आपने अपने फेस पे लगाना है। मुझे तकरीबन ये चाहिए, जस्ट मैंने 1 or 2 times इसको हल्का सा पुश किया है और ये इतनी सी निकाल ली हुई है, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा क्लोज करके दिखाती हूँ आपको ये चीज़, ठीक है। देखिए इस तरह से, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने यही स्पैचुला ले लेना और इसकी मदद से मैंने इस पूरी क्रीम को, ये मेरे फुल एक फेस के लिए जो है रेडी हो जाएगी, ठीक है। मेरे फेस पे हल्की सी पिगमेंटेशन है, फोकस नहीं कर सकते उनको, जस्ट टाइम से मतलब स्किन जो है वो थोड़ी सी अनइवन टोन में, जिनकी अनइवन टोन में है वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ्रेकल्स वालों के लिए बहुत ज़बरदस्त है, बहुत यूनिक मज़े का फार्मूला है। और ये आपने डेली बेसिस पे ही बनानी है, आपने मतलब जब भी आपने इसको यूज़ करना है आपने तब बनानी है, बना के रख नहीं लेनी है, ठीक है। और आपने इसको लगाने का तरीका क्या है, आपने इसको लेना है, ये देखिए इतनी मज़े की इसकी स्मूथनेस आ रही है। आपने इसको जस्ट ये इस तरह से लेके ऐसे ऐसे टैप कर देना, ठीक है, अपने फुल फेस के ऊपर ये चीज़। आपने इसको ये चीज़ नहीं करना, रगड़ना नहीं है, जस्ट ये चीज़ हल्का हल्का सा टैप करना है, ठीक हो गया। और टैप करके आपने इसको होल नाइट के लिए छोड़ देना है, आपने इसको वॉश नहीं करना, आपने कुछ नहीं करना, आपने होल नाइट लगा रहने देना है, ठीक है। जब आपने स्लीपिंग बेड पर जाना है ना तो तब आपने ये लगा लेना है, ये फार्मूला जल्दी से 2 मिनट लगेंगे आपका, जल्दी से रेडी हो जाएगा। रेडी होने के बाद फटाफट फेस के ऊपर इसका लेप सा करें और लेपने के बाद आप सो जाएं, और सो के जब आप अर्ली मॉर्निंग उठेंगे और सुबह जब उठेंगी तो आपने नॉर्मल पानी से इसको वॉश करना है। वॉश करने के बाद आप सोप या फेस वॉश जो भी यूज़ करती हैं वो यूज़ करें और सादे पानी से इसको धो लें। सादे पानी से मकसद ये है कि बहुत ज़्यादा ठंडा पानी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर वाला जो पानी है वो होना चाहिए, उससे आपने अपना फेस वॉश कर लेना है। और उसके बाद जो है कोई सा भी सन ब्लॉक लगा लेना है, क्योंकि डे टाइम में तो डेफिनेटली सन ब्लॉक लगाना ज़रूरी होता है, स्पेशली लड़कियों के लिए। लड़कों के लिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि उन लोगों ने बाहर जाना होता है, और लड़कियों के लिए इसलिए ज़रूरी है कि लड़कियों ने फ़ौरन से जो है वो किचन में चले जाना होता है, अपने लिए नाश्ता बनाना होता है, घर वालों के लिए नाश्ता बनाना होता है, फिर दोपहर का कुकिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है, फिर अगर बच्चे हों तो बच्चों के लिए माएँ सो छोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो बनाना शुरू कर देती हैं। तो इस वजह से लेडीज़ का तो वर्क सारा दिन होता ही मोस्टली किचन में ही है, तो इसीलिए अपनी रूटीन केयर जो है वो भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए आप लोगों ने ये वाली केयर अपनी लाजमी करनी है ताकि आपकी स्किन से सारे पिगमेंटेशन गायब हो जाए, और इंशाल्लाह विद इन 1 month आपकी स्किन इतनी नीट, इतनी शाइनी और इतनी ग्लोइंग हो जाएगी कि आप सब हैरान हो जाएंगे। ये कोई ऐसा फार्मूला नहीं है कि 3 से या 7 दिन में या 8 दिन में या 10 दिन में जो है ना आपकी स्किन ग्लो होना शुरू हो जाएगी और आपके जो है सारे पिगमेंटेशन गायब हो जाएंगी या फिर आपकी फ्रेकल्स जो हैं वो एकदम से चली जाएंगी। ये ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल नेचुरल इन्ग्रीडियंट्स के साथ और बहुत ज़बरदस्त है, और ये लॉन्ग लास्टिंग है कि इसके बाद आपको करने के बाद आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप बार बार इसका यूज़ करें। लेकिन मैं आपको ये कहूँगी कि जो फ्रेकल्स होते हैं ना वो कभी भी परमानेंटली ख़त्म नहीं होती, उनको हम लोगों ने कम करना होता है, तो कम करने के लिए फिर आपने इस तरह से करना है, आप हफ्ते में पहले 2 दफ़ा लगा रही हैं तो आप फिर हफ्ते में 1 दफ़ा कर दें, फिर ऐसे ऐसे 15 दिन में 1 दफ़ा कर दें, और फिर 15 दिन में 1 दफ़ा तो जारी ही रखें आप ये, ठीक है ना, ये वाला फार्मूला जो है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी, पिगमेंटेशन गायब हो जाएंगी, फ्रेकल्स गायब हो जाएंगी, इवन के एक्नीज या एक्नीज के बाद बनने वाले जो स्कार्स होते हैं स्कार्स को भी काफ़ी हद तक ये फिलअप करेगी, और बहुत ही अच्छा है यह स्किन के लिए। और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये आज की रेमेडी भी बहुत पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, इजाज़त से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और स्पेशली जो न्यू व्यूवर्स हैं और वो देख रहे हैं तो प्लीज़ नीचे छोटा सा लाइक वाला बटन बना होता है उसको जस्ट आपने प्रेस कर देना है, शेयर का ऑप्शन आ रहा होगा तो शेयर अपने फैमिली मेम्बर्स है या अपने ग्रुप्स में जिनके साथ भी ये वाली पिगमेंटेशन का मसला है प्लीज़ उनको भी बताएं ताकि उनकी भी मदद हो, और साथ ही मुझे आप लोगों की सपोर्ट भी मिल जाएगी। और आप लोगों के सबके सपोर्ट का बहुत ज़्यादा थैंक यू सो मच। और न्यू व्यूवर्स जो हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, और ताकि मैं आप लोगों के लिए मज़े मज़े की अच्छी अच्छी सी वीडियोज़ जो हैं वो लेकर आती रहूँ। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।